हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के पहले हम लोग जितने वीडियो को देखें वो सारे के सारे मैथ्स के थे, और बहुत सारे बच्चों के डिमांड था कि साइंस का चैप्टर, साइंस का वीडियो लाइए, साइंस के वीडियो लाइए। तो उन सारे के डिमांड को देखते हुए आप सबके लिए आज हम लोग क्लास टेंथ के साइंस के फिजिक्स साइंस के साइंस में फिजिक्स मतलब भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग जरा सा देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक हमने लिख चुके हैं, देखिए प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएँ, प्रकाश की किरणें, पारदर्शी प्रभासी और अपारदर्शी वस्तुएं, ये बहुत सारे अभी टॉपिक हैं। हमने 2-4-5 टॉपिक लिख दिए हैं और इसमें से कुछ पढ़ेंगे और बाकी देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे कि आखिर भाई चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो सबसे पहली बात कि ये चैप्टर में हम लोग केवल लाइट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। क्लियर हो गया, और सुनेगा प्रकाश कैसे जाता है, कैसे आता है, किससे बना होता है, क्लियर हो गया, कैसे निकलता है, कैसे नहीं निकलता है, समझ पा रहे ना। इन सारी चीज़ों पर टॉपिक पर, ये सारे टॉपिक्स पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सबसे पहला बात कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो पहली बात ये समझिए, प्रकाश तो लगभग सब लोग जानता होगा, नहीं जानते होंगे, हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो अगर मान लीजिए आप परावर्तन का मतलब, देखिए परावर्तन का मतलब लौटना, क्या करना, लौटना। अगर हम मान लीजिए यहाँ से एक टॉर्च ले रहे हैं, ठीक है ना, टॉर्च ले रहे हैं और टॉर्च को लेकर के लाइट को हम जलाएंगे, यहाँ से जलाएंगे ना, तो यहाँ से रिटर्न होकर के जाएगा ना जी प्रकाश, या फिर यहाँ से रिटर्न होकर के, अच्छा मान लीजिए अंधेरा में हम अपने आप हाथ को ऐसे यहाँ से उठाएं अंधेरे में, तो क्या हमारा हाथ दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। हम करेंगे क्या कि इसको देखने के लिए इस पर लाइट जलाएंगे, क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे। तो टॉर्च से हम लाइट देंगे तब यहाँ से प्रकाश ये हाथों पर जाएगा और जाकर के यहाँ से टकरा करके हमारी आंखों तक आएगा, तब ये हाथ हमारा दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये कि प्रकाश यहाँ से गया ना जी, चला तो गया, लेकिन जब तक रिटर्न आएगा नहीं, लौटेगा नहीं, तब तक क्या हमारे हाथ दिखाई देगा, क्या नहीं ना। तो रिटर्न होकर के हाथ से टकरा करके जब आँख तक कोई प्रकाश पहुँचता है तभी वस्तु दिखाई पड़ती है, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ती है। तो जो रिटर्न हो रहा ना, उधर से वापस आ रहा ना, लौट रहा ना, तो लौटने को ही क्या कह देंगे, परावर्तन। क्लियर हो गया। अब भैया प्रकाश लौट रहा है ना उधर से, तो इसीलिए टॉपिक, देखिए आपके चैप्टर का नाम हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को देखेंगे, फिलहाल अभी 2-4 टॉपिक है, इसको जरा सा डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहला बात आपके ये है, सबसे पहले टॉपिक कि प्रकाश और उसके स्रोत, प्रकाश और उसके स्रोत। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, आप क्या जवाब होगा, आपके पास जानते तो हैं प्रकाश के बारे में बहुत सारा कुछ, लेकिन क्या जवाब है, आप इसके बारे में जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं ना। तो जरा से इसको देखिएगा, पहली बात तो आपका एक नंबर टॉपिक है प्रकाश, क्या है, प्रकाश और उसके स्रोत। तो पहले प्रकाश को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद उसके स्रोत को देखेंगे, क्लियर। उसके स्रोत क्या है, प्रकाश पहले समझ लेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात की प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश वह कारक है, पहले ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद हम लिखवाएंगे भी, इसको लिख के दिखाएंगे भी आपको। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या रातों में कोई चीज़ दिखाई देता है बिना प्रकाश के, कोई भी वस्तु बिना प्रकाश के दिखाई देती है, नहीं ना। अगर आपसे आपकी मम्मी बोले, आपके घर में लाइट कट गया, आपकी मम्मी बोलेगी कि जाकर के उस रूम से एक कोई भी वस्तु को लेकर के आइए, ठीक है ना, कोई भी वस्तु को लेकर के आइए, तो क्या आप जाइएगा तो दिखाई देगा जी, नहीं दिखाई देगा ना, लाइट कटा तो दिखाई देगा क्या, नहीं देगा। आप उसको देखने के लिए क्या कीजिएगा, टॉर्च लीजिएगा या फ्लैश लीजिएगा, टॉर्च मोबाइल का, कहीं ना कहीं लाइट लेकर के ही जाइएगा, तब वो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में वो तमाम सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है, तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, कि प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहे तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। आप कहेगा कि दिन में तो दिखाई देगा, रात में ही तो नहीं दिखाई देगा ना। अगर दिन में सूर्य ना निकले तो क्या आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश है तो ये दुनिया इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, अगर प्रकाश नहीं है तो दुनिया खूबसूरत नज़र नहीं आएगी,
ये दुनिया इतनी खूबसूरत नज़र आती है ना, ये देखिए हरे भरे पेड़ पौधे, अच्छे खासे मकान, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, नहीं तो ये सारी के सारे चीज़ें अगर खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं आपको, पहाड़, झरना, नदी, तालाब, ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है रीजन? तो आपका प्रकाश। अगर प्रकाश ना हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, सारा का सारा एकदम अंधेरा ही अंधेरा। समझ पाए? तो समझ गए ना। तो प्रकाश वह कारक है जिससे तमाम सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती है, सभी वस्तुएं दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। प्रकाश ना रहे तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। जैसे आप ही देखिएगा यहाँ पे हमारा लिखा हुआ, देखिए प्रकाश का परावर्तन दिखाई दे रहा ना, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश यहाँ पे लाइट है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रकाश और उसके स्रोत लिखा हुआ, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, दिखाई दे रहा नहीं? ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर और ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा ना आपको। इसके पीछे क्या रीजन है? प्रकाश है। अगर देखिए हम यहाँ पे लाइट को स्विच ऑफ कर दें, चलिए लाइट को हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या आपको दिखाई दे रहा? कुछ दिखाई दे रहा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ कि लाइट अगर नहीं है तो आपको कुछ दिखाई देने वाले नहीं है, तो इसलिए लाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। समझ पाए? तो जरा सा समझ गए ना। अब इसको लिखेंगे, लिखेंगे मेरे साथ साथ आप लिखिए और नोट्स बनाएगा, प्रॉपर नोट्स बनाएगा, क्लियर? चलिए जरा लिखिए। तो प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहे तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा, क्लियर हो गया? अब जरा सा इसके बारे में और देखेंगे। देखिए अब देखिएगा, तो प्रकाश आखिर भैया प्रकाश बना कैसे है, ये मन में प्रश्न तो उठ रहा है ना, प्रकाश बना कैसे है? तो एक कण है, एक कण से मिलके प्रकाश बना है। जितनी सारी है ना प्रकाश, एक कण से मिलके बना होता है, और उस कण का नाम क्या है? क्या नाम है उस कण का? नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। तो फोटोन कण से मिलकर के ही प्रकाश बना है। प्रकाश आपका है बना, तो ये किस चीज से मिलकर बना है? तो आपका प्रकाश बना है फोटोन के कणों से मिलकर के बना होता है। तो इस बातों को लिखेंगे ना, हम लिखेंगे, देखिएगा, लिखिए इसमें प्रकाश, देखिए प्रकाश फोटोन कणों से मिलकर बना है। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश आपका क्या है? तो फोटोन। किससे? फोटोन के कणों से मिलकर के बना होता है। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? नहीं ना, क्लियर हो गया। तो प्रकाश के बारे में समझ गए। अब बात आती है उसके स्रोत की, क्लियर हो गया? प्रकाश और उसके स्रोत की। जैसे आप देखिएगा, अब देखिएगा प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या? स्रोत जरूरी नहीं कि प्रकाश का ही स्रोत, स्रोत बहुत सारी चीज़ों का होता है, बहुत सारी चीज़ों का स्रोत होता है। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपसे पूछेंगे आप पानी पीते हैं? हाँ पानी पीते हैं। आपका आंसर यही ना आएगा, हाँ पानी पीते हैं। आप पानी कहाँ से लाते हैं? कहाँ से पानी लिए आप? या तो टंकी से, नहीं तो कल से, नहीं तो नदी से, नहीं तो तालाब से, नहीं तो झरने से? नहीं, तो जहाँ से आपको पानी मिला वो पानी का स्रोत हो गया। पानी का स्रोत हो गया कि नहीं हो गया? तो पानी जहाँ से मिला वो पानी का स्रोत हो गया। उसी तरह से प्रकाश जहाँ से मिलेगा वो प्रकाश का स्रोत हो गया, क्लियर हो गया? प्रकाश जहाँ से मिलेगा वो क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत, क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को? तो आपका यह आएगा देखिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश फोटोन के कणों से मिलकर के बना होता है। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं, क्लियर? और रही बात की प्रकाश के स्रोत के बारे में, तो प्रकाश और उसके स्रोत मतलब प्रकाश का स्रोत, तो जिस चीज़ से हमें प्रकाश मिलता है, जिस चीज़ से हमें प्रकाश मिलेगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा, क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को? नहीं। तो जैसे इसको हम लिखेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, लिखिए
प्रकाश स्रोत के बारे में लिखिए। प्रकाश स्रोत देखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित, या जो वस्तु प्रकाश, यहाँ लिख रहे हैं हम, उत्सर्जित करती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। देखिए, हमने प्रकाश स्रोत के बारे में क्या लिखा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे आप ही बताइएगा, ये एलईडी बल्ब है ना जी, इससे प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है? इससे प्रकाश निकलता है तो हम लोग को मिलेगा ना, तो प्रकाश निकलेगा तभी तो मिलेगा ना, बोलिए हाँ या ना। अब समझिएगा, और एलईडी बल्ब हो गए, और टॉर्च हो गए आपके, या लालटेन हो गए, मोमबत्ती हो गए कि नहीं हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये प्रकाश के स्रोत हैं। सूर्य हो गए, सबसे बड़ा तो वही है, अगर आपका दिन नज़र आ रहा है इतना खूबसूरत, पृथ्वी खूबसूरत नज़र आ रही है, तो ओरिजन क्या है? सूर्य का होना। तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है कि नहीं? अगर सूर्य नहीं है तो क्या दिन होगा? कभी नहीं होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लिखिए आप बल्ब, सूर्य हो गया, तारा हो गया कि नहीं हो गया? बल्ब, सूर्य, तारा, और साथ ही साथ लिखिए आप टॉर्च इत्यादि। क्लियर हो गया। ये क्या है? बल्ब, सूर्य, तारा, टॉर्च, और भी हो सकता है लालटेन, मोमबत्ती, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रकाश स्रोत। जिससे प्रकाश निकलेगा, जिससे प्रकाश मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, प्रकाश आपका भैया, प्रकाश की वजह से तो हम लोग देख ही पाते हैं किसी वस्तु को, लेकिन साथ ही साथ प्रकाश एक ऊर्जा भी है। अब आपके मन में ये बात आया होगा, ये ऊर्जा कैसे? आप कह रहे हैं कि ऊर्जा है, अभी कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं, अभी कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा कैसे हो सकता है? तो आपको जरा समझा रहे हैं। क्लियर हो गया। घबराए नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, आप ही बताइए जरा, ये बिजली है ना, बिजली ये कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा। सर साफ कर ले तो सीना बहुत हो रहा है। देखिए, ये बिजली जो है ना, वो कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। हमने क्या किया? बल्ब लगाया, प्रकाश पाया। तो ये बल्ब लगाते ही बिजली, विद्युत से क्या निकल गया? प्रकाश निकल गया। ये बल्ब लगाते ही, जैसे हमने बल्ब लगाया तो क्या होता है? प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्लियर। तो इसका मतलब कि बल्ब से प्रकाश निकलना, तो बल्ब को प्रकाश स्रोत कहेंगे, और साथ ही साथ ये विद्युत से ही क्या बना है? प्रकाश बना है। तो विद्युत ही किसमें बदल गया? प्रकाश में बदल गया। विद्युत ही आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी ही, इलेक्ट्रिक ही आपका क्या आ गया? लाइट में कन्वर्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है कि नहीं है? विद्युत जब आपकी ऊर्जा है तो प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा है। एक और एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा। आप देखते हैं कभी बचपन में लालटेन से पढ़े होंगे ना। अब देखिए, तो लालटेन में हम लोग मिट्टी तेल डालते थे, लालटेन के अंदर क्या रहता था? मिट्टी तेल। तो मिट्टी तेल में बत्ती के सहारे जब हम लोग बत्ती को माचिस से जलाते थे तो प्रकाश देता था अपने अगल बगल, देता था कि नहीं देता था? उससे प्रकाश निकलता था ना जी। तो एक तरह से कह देंगे कि प्रकाश लालटेन से निकल रहा है, तो लालटेन क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। लेकिन क्या आप कभी सोचे कि आखिर वो लाइट निकलता कैसे है?
सोचे हैं? नहीं तो समझिए, तो तेल के अंदर होता है रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। और उसी रासायनिक ऊर्जा को हम लोग माचिस से जला के बत्ती के सारे क्या करते हैं? प्रकाश में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? प्रकाश में बदलते हैं। तो आप ही बताइए कि रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश में बदले ना, तो रासायनिक ऊर्जा ही क्या बदल गया? प्रकाश बन गया। ये विद्युत ऊर्जा ही क्या बन गया? प्रकाश बन गया। बन गया नहीं तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना। तो आप यहीं भी लिख सकते हैं, इसमें देखिए यहां भी लिख सकते हैं, अतः देखिए, अतः प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा भी है। वो ऊर्जा कैसे है आप समझ गए? समझ गए ना, क्लियर हो गया। और प्रकाश स्रोत क्या है? तो भैया जिस चीज से आपको प्रकाश मिलेगा, जिस चीज से आपको प्रकाश मिले वो प्रकाश स्रोत। टॉर्च से प्रकाश मिलता है, प्रकाश स्रोत। बल्ब से प्रकाश मिलता है, प्रकाश स्रोत। क्लियर? जिस चीज से प्रकाश आपको मिले या जो वस्तुएं प्रकाश निकालेगी, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करेगी, उन वस्तुओं को क्या कह दिया जाएगा? प्रकाश स्रोत। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। आगे चले, चलिए अब देखिएगा, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नहीं समझ में आया? देखिए कैसे प्रकाश स्रोत आपके दो प्रकार के। तो पहला आपका हो जाएगा, देखिए पहला प्रकाश स्रोत आपका होगा, देखिए लिख लीजिए पहले इसको, प्रकाश स्रोत। स्रोत दो प्रकार के होता है। क्लियर हो गया? पहला आपका है, आपका पहला प्रकाश स्रोत है, देखिए एक का नाम है पहले का मानव निर्मित। क्लियर हो गया? एक नंबर है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और आपका दो नंबर है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या? प्राकृतिक। दिखाई दे रहा ना। देखिए तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक आपका हो गया प्रकाश स्रोत कौन सा? मानव निर्मित। दूसरा हो गया कौन सा? प्राकृतिक। एक आपका प्रकाश स्रोत हो गया मानव निर्मित, दूसरा हो गया आपका प्राकृतिक। क्लियर? तो इन दोनों को पहले समझेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं और किसे कहते हैं, और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन कौन से हैं और किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? दिक्कत? आगे चले। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब ये देखिए, वह प्रकाश स्रोत जिसको मनुष्य ने बनाया, प्रकाश मिलना शुरू हो गया, उसको कह देंगे क्या? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये बल्ब, आप ही बताइए बल्ब किसने बनाया? क्या प्रभु आए हैं और बोले कि भगवान तुम्हारे को प्रकाश की जरूरत है, तो लो हमने बल्ब ऊपर बनाया, एक्सपेरिमेंट किया है, लो बल्ब। नहीं ना, किसी मनुष्य ने बनाया। कौन बनाया? नहीं, बल्ब को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? ये देखिए, ये आप मोबाइल के टॉर्च देखिए ना, फ्लैश चलाते हैं ना, फ्लैश, तो वो क्या है? वो प्रकाश स्रोत है। लेकिन उसको किसने बनाया? प्रकाश स्रोत मोबाइल में जो फ्लैश होता है पीछे, वो किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो नहीं, लालटेन किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो जो प्रकाश स्रोत अगर मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, जो भी वस्तुएं प्रकाश देती है, और अगर उसको मनुष्य ने बनाया है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है आपका? तो वो आपका है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्लियर हो गया? दूसरा आपका है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आपका वो प्रकाश स्रोत है जो प्रभु द्वारा बनाया गया है, जिसको ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर बना के दे दिए, उससे हम लोग प्रकाश लेते हैं, हम लोग को प्रकाश उससे मिलता है, तो वो कहलाएगा आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल समझिएगा, सूर्य को किसने बनाया है? हम लोग बनाए हैं क्या? नहीं ना, हम लोग नहीं बनाया ना। सूर्य को किसने बनाया? प्रभु बना के दिए ना, ये लीजिए। नहीं देते तो क्या प्रकाश दिन होता क्या? नहीं, दिन में प्रकाश मिलते हैं ना, कहाँ से? सूर्य से मिलते हैं। तो सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है। लेकिन कौन सा? ये आपका प्राकृतिक। कौन सा? प्राकृतिक। किसी को दिक्कत? नहीं ना। एक और देखिए, तारा क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है ना। तारा को किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसको मनुष्य ने बनाया, जैसे बल्ब, टॉर्च, एलईडी लाइट, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब के सब क्या हो गए? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और दूसरा आपका है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब कि वह प्रकाश स्रोत जिसको प्रभु द्वारा बनाया गया है, जो प्रभु द्वारा बनाया गया है, सूर्य, तारा इत्यादि। क्लियर हो गया? दिक्कत किसी को? नहीं, इसको लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। नहीं, अगर लिखवाने की जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफिनेशन लिखवा देंगे। क्लियर? तो देखिए, ये समझ में आ गया, ये टोटल समझ में आ गया। अब आगे चलिए,
चले आगे हम लोग, साफ कर दे इसको, अगर आपको उतारना है तो वीडियो को पुश करके उतार लीजिएगा। ओके चलिए, आगे चलिए। जरा सर दो नंबर देखिए, तो टॉपिक क्या कह रहा है आपका, दो नंबर में कह रहा है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तु। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है फिजिक्स, बहुत ईजी है। आपको फिजिक्स से डर लगता है ना, नहीं बहुत ईजी है। देखिए जरा सर दो नंबर आपका टॉपिक कह रहा है, दो नंबर में, एक नंबर तो हम लोग सीख गए ना, एक नंबर समझ में आ गया। दो नंबर कह रहा है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिएगा, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं पहले हम लोग सीखेंगे, समझेंगे प्रदीप्त वस्तु के बारे में, उसके बाद अप्रदीप्त के बारे में। तो देखिए प्रदीप्त का मतलब क्या, प्रदीप्त मतलब कुछ नहीं, वही जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत को ही क्या कह देंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब ये कि वे वस्तुएं जो प्रकाश निकालती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनसे प्रकाश हम लोग को मिलता है, वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। क्लियर हो गया, जैसे बल्ब से प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बल्ब क्या हो गया आपका, बल्ब आपका हो गया प्रदीप्त वस्तु। ये मोमबत्ती क्या होगी, प्रकाश मिलता है ना, मोमबत्ती क्या हो गया प्रदीप्त वस्तु। टॉर्च क्या हो गया, टॉर्च से प्रकाश मिलता है ना, टॉर्च क्या हो गया प्रदीप्त वस्तु। क्लियर हो गया, तो इसको जरा सा लिखिएगा, लिखे तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, या जिस वस्तु से, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त, क्या क्या बोलेंगे प्रदीप्त, या दूसरा नाम इसका है क्या, दीप्तमान। क्या है, दीप्तमान। क्लियर हो गया, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहा जाता है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा मेरे साथ साथ। क्लियर हो गया, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करना मतलब निकालना, क्या करना निकालना, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहा जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये आपसे नहीं पूछेगा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, नहीं, ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपका ऑप्शन दे देगा, आप टिक कर सकते हैं। या पूछेगा कि देखिए दीप्तमान वस्तु किसे कहा जाता है दो नंबर में, तो आप समझ सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहा जाता है। क्लियर हो गया, जैसे मैं देखिए आपका, जैसे मैं आपका ले लीजिए, जैसे मैं टॉर्च, हो गया कि नहीं हो गया, ना जी, टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, या फिर आप कह दीजिए बल्ब हो गया, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है इत्यादि। क्लियर हो गया, जैसे आपको देखिए टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त वस्तु है या दीप्तमान वस्तु है, आपका सूर्य से प्रकाश मिलता है तो दीप्तमान वस्तु है, बल्ब से प्रकाश मिलता है तो दीप्तमान वस्तु है। क्लियर, तो जिस वस्तु से प्रकाश मिलेगा या जो वस्तु प्रकाश निकालेगी, उसी को कह दीजिएगा क्या, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे चलेंगे। अगला इसमें कह रहा है अप्रदीप्त वस्तुएं, क्या कह रहा है, अप्रदीप्त वस्तु व अप्रदीप्त वस्तुएं, दिक्कत नहीं ना। अप्रदीप्त देखिए वस्तु क्या होता है, गौर से सुनिएगा, कुछ नहीं, इसी के जस्ट अपोजिट, इसी के उल्टा, समझ गए। इसमें कह रहा है कि जो प्रकाश निकालेगी, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगा, और इसमें क्या, जो प्रकाश नहीं देगी, सिंपल सा तो है, समझ पाए, जिसे प्रकाश नहीं निकलेगा, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी,
उसी को क्या कह देंगे, अप्रदीप्त वस्तु। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, तो जैसे देखिएगा, लिखिए इसको, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, या जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, उसे उसे अप्रदीप्त अप्रदीप्त या अदीप्तमान, दूसरा नाम इसका भी क्या है, अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है, अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है। साफ साफ नजर आ रहा है ना आपको, देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब जिसे प्रकाश नहीं निकलता है, क्लियर, या कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कह देंगे, अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं मिलेगा भैया हमारे को। ये देखिए, ये मार्कर क्या, हम लाइट को ऑफ कर देंगे, देखिए हम लाइट को ऑफ कर देंगे तो क्या ये प्रकाश देगा, आप ही बताइए क्या ये प्रकाश देगा क्या, नहीं ना, ये क्या मार्कर प्रकाश देंगे क्या, नहीं ना, ये थोड़ा सा मीटर गया है, देखिए ये देखिए ये दीवार, ये बोर्ड, ऐसा क्या है, ये बोर्ड हमसे बोलता है ना कि भैया लाइट आप ऑफ कर दीजिए, हम खुद ही आपको प्रकाश देंगे, कैसा है क्या, नहीं ना, नहीं ना, क्लियर हो गया। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं देगी, जो भी टेबल कुर्सी कॉपी किताब कलम, ये बोर्ड दीवार घर द्वार मिट्टी के कंकड़, समझ गए, ईंट पत्थर, कुछ भी जो प्रकाश नहीं देंगे, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं। दिक्कत किसी को नहीं ना, तो जैसे मैं एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे देखिए, जैसे जैसे मैं लिखिएगा, ईंट पत्थर टेबल कुर्सी हो गया, किताब किताब हो गया, इत्यादि, क्लियर हो गया, इत्यादि क्लियर हो गया आपको, कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी, जिनसे प्रकाश नहीं निकलेगा, आप बताइएगा क्या ईंट प्रकाश निकालेगा, क्या पत्थर से प्रकाश मिलेगा क्या, क्या टेबल प्रकाश कभी देता है आपके रूम में, अगर लाइट कट जाए, टेबल है तो ऐसा है भैया कि टेबल कहते जाने दो, लाइट कट गया तो कोई बात नहीं, हम है उसकी जगह पे, हम प्रकाश देंगे, कभी ऐसा हुआ है क्या, नहीं ना, तो टेबल आपका कभी प्रकाश नहीं देगा। कुर्सी प्रकाश देता है क्या, नहीं। किताब प्रकाश देता है क्या, अगर किताब इतना ही प्रकाश देता तो हम लोग को लाइट पढ़ने के लिए क्या जरूरत थी क्या, पेज पलटते प्रकाश निकलता, पढ़ते नहीं क्या। तो इसका मतलब कि जो वस्तुएं प्रकाश नहीं देगी उसको क्या कह देंगे, अदीप्तमान या अप्रदीप्त वस्तुएं। क्लियर हो गया जरसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जरसा आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर एक आने वाली वीडियो आपके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी बहुत सारा टॉपिक है, घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत इजीली क्लियर कराएंगे, आगे आपको बहुत कुछ आपको ला करके दिखाएंगे भी, ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, सारे की सारी चीज़ जितना हमसे बनेगा उतना आपको दिखा देगा कि प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबक है, सत श्री अकाल।